हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो गाइस, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं 2016 का बैक क्वेश्चंस को लेके। और यहाँ पे मैं बता दूँ, जो ये बैक क्वेश्चंस है ये BHU BFA का है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विजुअल आर्ट फैकल्टी, बेचलर इन फाइन आर्ट का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चंस आंसर बताने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूँगी कि गाइस, आप लोग, मैंने देखा है कि कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैम बैक क्वेश्चंस को लेके वीडियोस बनाइए, ठीक है। बहुत बार ये कमेंट रिपीट हो चुके हैं, मतलब अलग अलग लोगों से। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ लोगों को कि प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको BHU BFA बैक क्वेश्चंस का लिंक बना हुआ है। उसमें आपको 2012 से मैंने स्टार्ट किया है बताना बैक क्वेश्चन, तो उसमें आपको 2012, 2013, 2014 एंड 2015 अब तक मैंने 4 ईयर का ऑलरेडी बैक क्वेश्चंस बता रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएंगे चारों ईयर के क्वेश्चन। BHU BFA फाइन आर्ट करके शायद ऐसे लिखा है कैप्शन, तो आप जाइए ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे। और उसी में सारा आपको बैक क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेगा। और जो आज मैं बता रही हूँ आपको, मैं 2016 का बताऊँगी और ऐसे ही मैं 2020 तक बताऊँगी बैक क्वेश्चन। तो इसमें आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है, पूरा बताऊँगी। और उसके बाद भी समय मिला तो मैं 2010 और 11 को भी बताऊंगी, जैसे कि 12 से स्टार्ट किया मैंने तो 10 और 11 उसका भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे कंप्लीट कर दूं, उसके बाद आपका रहेगा 10th और 11 का। तो गाइस, आई होप कि अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आप लोग को। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्ज़ाम में, वैसे मैं हर वीडियोस के स्टार्टिंग में बताती हूँ, तो फिर से क्योंकि बहुत लोग होते हैं पुराने वीडियोस देखते नहीं है इसीलिए, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि ये सबसे पहले आपका फ्रंट पेज है, ठीक है। आपको ऐसे ही पेपर मिलेगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ 16U 1710, ये 16U का मतलब ही 2016 है। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है, राइट इन डिजिट इन वर्ड्स में भी लिखना है यहाँ पर, ठीक है, सीरियल नंबर लिखना है और फिर डे एंड डेट लिखना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है उसके बगल में। फिर है इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट के बारे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर देती हूँ, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ धीरे धीरे स्लाइड कर रही हूँ, आप लोग इंस्ट्रक्शन खुद से पढ़ लीजिएगा। तो ये रहा इंस्ट्रक्शन, यहाँ तक है। और उसके बाद ये फर्स्ट फेज कम्प्लीट, अब आते सेकेंड फेज पे। यहाँ पे आपको रफ के लिए पेपर दिया जाता है कि आपको कुछ भी रफ़ करना है तो हाँ, आपको एक एक्स्ट्रा पेज मिलेगा, एक स्टार्टिंग में रफ़ के लिए मिलता है, एक एंड में रफ़ के लिए मिलता है, ठीक है। तो रफ़ पेज मिलता है, आप वहाँ पर रफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे थर्ड पेज में, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस स्टार्ट, यहाँ देखिए लिखा हुआ नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मतलब 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे नोट में जो 1 और 2 नोट में लिखा है वो मैं सिंपली बता दूँ कि जो हर क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा, और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत करी तो 1 नंबर की माइनस मार्किंग होगी। तो ख्याल रखें कि जो आंसर आपको अच्छे से आता हो वही करें, अदरवाइज़ नहीं आ रहा है तो तुक्का ना लगाएं, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होती है। और अगर जो क्वेश्चन आपने नहीं किया तो उसमें तो 0 मार्क्स मिलेंगे ही, तो वो हुआ। तो ये है, इसमें यही बताया गया है नोट में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब आपका क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाता है फोर्थ पेज से, यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चंस स्टार्ट है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें टिक नहीं किया हुआ है, मैं जो बोलती जाऊँगी आप नोट करते जाना कॉपी में, यहाँ पे टिक इसलिए नहीं किया हुआ है कि ये डायरेक्ट गाइस मैंने नेट से इसके साइट से जाके डायरेक्ट डाउनलोड किया है, ठीक है। तो वो फ्रेज डाउनलोड किया तो उसमें आंसर नहीं बताते, ठीक है, आंसर की अलग से रहता है लेकिन इसमें आंसर नहीं बताते। तो आंसर मैं बोलती जाऊंगी आप लिखते जाना, जो अब तक मैं बताती थी उसमें मेरे पास था, मैं इसका प्रिंट आउट निकलवा के ऑलरेडी मेरे पास था, तो उसमें टिक किया हुआ था सारी चीज़ें, तो फ़ोटो क्लिक करके आप लोगों को दिखा के फिर मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन ये मैंने डायरेक्टली नेट से अपलोड किया है इसके साइट से, आप लोग भी कर सकते हैं इसके साइट से, तो अपलोड किया है और अब डायरेक्टली बताऊंगी। तो बस आंसर में जो बोलती जाऊंगी आप लोग मेंशन करते जाइएगा, क्वेश्चंस और आंसर बोलूंगी तो आप लोग मेंशन करते जाना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट, जो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है ऑप्टिकल धरातल इसमें से कौन से
रंग का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर होगा वन, सफ़ेद, ठीक है, एक नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं टू नंबर पे, कौन सी कला विधा में आलेखनों को भट्टी में पकाने के बाद अस्थाई किया जाता है। आंसर है थ्री, पोट्री, यहाँ पेट्री लिखा है, पेट्री नहीं होगा, पोट्री होगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर, भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान है, ठीक है। तो ऑप्शन है सेकेंड, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर, भारत में ईसाई धर्म का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो सही ऑप्शन है सेकेंड, गोवा। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ नंबर, अपने देश के विज्ञापन सबसे अधिक कहाँ प्रदर्शित है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन थ्री, समाचार पत्र। नेक्स्ट आते हैं सिक्स नंबर, इनमें से कौन पृथक वेद नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन पृथक वेद नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन थ्री, आयुर्वेद। नेक्स्ट आते हैं सेवन नंबर, भारत का वह चित्रकार जिसने कार का प्रयोग चित्राधार के रूप में किया है, ठीक है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन थ्री, कृष्णा खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, चित्र में इनमें से किसका उपयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा आपका चिजल, ठीक है, क्योंकि एयर ब्रश ब्रश है, सेबुल ब्रश, ये भी एयर ब्रश भी यूज़ होता है, सेबुल ब्रश भी यूज़ होता है चित्र में, इज्जल भी चित्र होता है, इज्जल मतलब स्टैंड होता है जिस पर रख के मेनली कैनवस वगैरह रखा जाता है, और ऐसे भी आप बोर्ड रख के उस पर पेपर चिपका के काम कर सकते हैं, तो इज्जल उसी को कहता है। चिजल कोई वर्ड नहीं है जो काम चित्रकला में तो बिल्कुल उपयोग नहीं होता। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस रह सकते हैं, थोड़े ट्रिकी टाइप, तो हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे गाइस बोल दूँ कि फिर से बैक क्वेश्चंस का हर एक क्वेश्चंस बकायदा अच्छे से ज़रूर लर्न कर लें, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस जो ऐसे होते जो मैच करते ही करते हैं, मतलब बहुत हद तक मैच करते हैं। तो इसीलिए बैक क्वेश्चंस का मैं बार बार कर रही हूँ, मैं जितना भी बैक क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊँगी, अगर आप लोग को थ्योरी क्वालिफाई करना है तो, आप लोग को अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज़ बैक क्वेश्चंस का हर एक क्वेश्चंस अच्छे से लर्न ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं नाइन नंबर, चित्रकला विषय के अधीन इनमें से कौन सी डिग्री स्नातकोत्तर नहीं है, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा MS, ऑप्शन फोर MS सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं टेन नंबर, कौन से मुगल शासक के अधीन सबसे कम चित्र बने। तो ऑप्शन वन होगा हुमायूं, हुमायूं के टाइम पे सबसे कम चित्र बने हैं, सबसे कम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कौन से पर्व में रंगों का सर्वाधिक प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रंगों का सर्वाधिक प्रयोग तो होली में होता है, लेकिन यहाँ पे होली मेंशन नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या है आपका, दिवाली, नेक्स्ट है रक्षाबंधन, ईद और बैसाखी। तो सही आंसर होगा दिवाली, क्योंकि दिवाली में हम लोग बहुत रंगोली, बहुत मात्रा में हम लोग हर घर में रंगोली बनता है, और रंगोली शुभ माना जाता है, उसके बिना स्टार्ट नहीं होती है दिवाली, तो रंगोली बनता ही बनता है पूजा के टाइम पे और नॉर्मल खाली जगह पे भी, बरामदे पे भी। तो हाँ, रंगों का सर्वाधिक प्रयोग जो है आपका इस सब में से दिवाली में ही, दिवाली होगा सही ऑप्शन। तो इस तरह के ये भी देखिए ट्रिकी क्वेश्चन ही है, ये आपको ऐसे कहीं बताया नहीं जाएगा, तो थोड़ा आपको अपना दिमाग यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन। तो ये अपना थोड़ा नॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि हाँ आपका नॉलेज कितना काम करता है, कितना ग्रो है। तो ये रहा, नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर, इनमें से कौन सी एक कला प्रतीका है, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा वन, मार्ग, ठीक है, मार्ग सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर, अशोक की लाट में शेर के कितने मुख का अंकन है, ठीक है। तो अशोक की लाट में शेर के चार मुख का अंकन है, और चारों के बारे में अलग अलग बताया गया है, मैं कभी बता दूंगी इसके बारे में भी, अशोक को लेके भी, इससे भी कुछ एक दो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम को लेके।
तो चार मुखों वाले शेर का अंकन है। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर, निम्न में कौन सी चीज प्लास्टिक आर्ट का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो सही ऑप्शन है 4, गमक। गमक जो है प्लास्टिक आर्ट का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तंत्र कला के मूल में क्या है? ठीक है, तो तंत्र कला के मूल में अंधविश्वास है। ठीक है, ये भी ट्रिकी ही है, तंत्र कला के मूल में क्या है? अंधविश्वास, मतलब विश्वास नहीं होता है तंत्र कला की चीज़ों में, तो हाँ। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर, पेंसिल में प्रयोग होने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? ये तो बहुत ही इजी है और ये भी बहुत बार पूछा गया, रिपीट वो भी, ग्रेफाइट। पेंसिल में जो यूज़ होता है, जिससे हम लोग लिखते हैं, बनाते हैं ड्राइंग, उसको ग्रेफाइट कहते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, ग्रेफाइट। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर, लोक चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो लोक चित्रकला में जो है आपका खनिज, ठीक है, खनिज रंग का प्रयोग किया जाता है, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 18 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय के रचयिता का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय के रचयिता का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। तो सही ऑप्शन होगा आपका रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन 2, रविंद्रनाथ ठाकुर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर, इनमें से कौन सा रंग अपनी प्राकृतिक से ठंडा नहीं है? ठीक है, तो सही ऑप्शन है बेजनी रंग, ऑप्शन 3। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर, उस भारतीय ट्रेन का नाम बताइए जिसमें सभी डिब्बे के बाहर एक समान चित्र को छलक मिलती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब आपका थोड़ा, ये सब आपके जनरल नॉलेज में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा स्वर्ण शताब्दी, इसलिए कह रहे कि बैक क्वेश्चंस से क्वेश्चंस एक भी मिस मत कीजिएगा, सारा याद कीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं ये क्वेश्चन कि उस भारतीय ट्रेन का नाम बताइए जिसके सभी डिब्बों के बाहर एक समान चित्रों की झलक मिलती है। ठीक है, एक समान चित्र बने रहते हैं सभी डिब्बों के बाहर, तो स्वर्ण शताब्दी है सही ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, गणेश चतुर्थी पर्व कौन से राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? ठीक है, तो सब सही ऑप्शन है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है गणेश चतुर्थी, बहुत ही धूमधाम से। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर, विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत्र चित्रसूत्र की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, तो सही ऑप्शन है विशिष्ट, ऑप्शन 1, विशिष्ट सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर, कैलीग्राफी का संबंध कौन सी कला से है? ठीक है, कैलीग्राफी का संबंध तो अप्लाइड आर्ट से, कैलीग्राफी में लेटर राइटिंग आता है गाइस, जो हम लोग, आप लोग देखते होंगे कि दुकान के बाहर बहुत अच्छे से लेटर राइटिंग लिखा रहता है, तो दुकान के बाहर ही क्यों, बहुत जगह मॉल के बाहर आप लोग देख सकते होंगे, तो लेटर राइटिंग को ही कैलीग्राफी कहते हैं और ये अप्लाइड आर्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आते हैं 24 नंबर, इनमें से कौन एक प्रबुद्ध कला समीक्षक है? ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा आपका हर्बर्ट रीड, ऑप्शन 3 सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर, चित्रण की वह कौन सी तकनीक है जिसके कारण अजंता के चित्र आज तक जीवित है? ठीक है, आज भी आप अजंता जो महाराष्ट्र में है, आज भी आप घूमने जाओगे तो आपको वहाँ के जो चित्र आज भी वैसे ही देखने को मिलेंगे, तो इसका रीज़न क्या है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका रीज़न है ऑप्शन 2, बुनो शैली के कारण उसके चित्र आज भी जीवित है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक चित्रकला में बंधुवादी प्रवृत्ति की स्थापना किसने की थी? तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन 1, स्यूरा। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर, भारतीय मूर्ति कला में कौन से देश की कला का सम्मिश्रण से गंधार शैली का उदय हुआ? ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा आपका यूनान, ऑप्शन 3 यूनान सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते 28 नंबर,
नाथ द्वार शैली के चित्र कौन से राज्य से मिलते हैं? तो ऑप्शन होगा फोर्थ राजस्थान। नाथ द्वार शैली के चित्र जो है राजस्थान के अंतर्गत मिलते हैं, और नाथ द्वार जो है शैली राजस्थान शैली के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, मेवाड़ शैली, राजस्थान नागर शैली, बहुत सारी शैलियाँ हैं जो राजस्थान के अंतर्गत आती है, और राजस्थान राजस्थान शैली पर चैप्टर मैंने पढ़ाया है, जाके एक बार अगर नहीं देखे वीडियो तो प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, राजस्थान शैली करके ही बना हुआ, और उसमें राजस्थान शैली से सारे रिलेटेड जो भी एंट्रेंस के एग्ज़ाम में जो आपका सिलेबस है क्वेश्चंस अपलोड है, तो जाके देखिए, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा और 100% आते हैं। नेक्स्ट आते हैं 29 नंबर, इनमें से किसके अधीन सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग आती है? ठीक है, 29 तो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा आपका 3 नंबर, सेरीग्राफी। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर, अक्षरधाम मंदिर इसमें से कौन से नगर में अवस्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन होगा 2 नई दिल्ली, नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट आते हैं 31 नंबर, उस रंग का नाम बताइए जो जल तरंगे समीप है। ठीक है, जो जल तरंग, सॉरी फिर से एक बार रिपीट करते हैं, उस रंग का नाम बताइए जो लाल रंगत के समीप है। ठीक है, लाल रंगत के समीप है ये बोल रहा है, तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, रोज मेडर। ठीक है, रोज मेडर जो है लाल रंग के समीप है। नेक्स्ट आते 32 नंबर, कौन से देश के दार्शनिकों के अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कौन से देश के दार्शनिकों ने अनुकरण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, यूनान। गाइस, जैसे जैसे मैं बोलते जा रही हूँ आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं 33 नंबर, पोस्टर कला को प्राकृतिक बताइए, पोस्टर कलर को प्राकृतिक बताइए। तो पोस्टर कलर का जो प्राकृतिक है सही ऑप्शन होगा अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी होता है पोस्टर कलर। नेक्स्ट आते 34 नंबर, भारतीय चित्रकला में बनारस के एक प्रख्यात कला इतिहासकार का योगदान है, वो कौन है ये पूछ रहा है। तो सही ऑप्शन होगा राय कृष्ण दास। ठीक है, नेक्स्ट आते 35 नंबर, समकालीन भारतीय कला के शिल्प चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ? तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन 1, दिल्ली। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 36, प्रेमाधारित विषयों का सर्वाधिक अंकन कौन सी भारतीय चित्र शैली में हुआ है? तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2, कांगड़ा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन ग्राफिक कला का एक अंग है? तो ठीक है, एचिंग जो है ग्राफिक कला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर, एलिफेंटा की गुफाओं में कौन से शिल्प की प्रधानता है? तो सही ऑप्शन होगा आपका मूर्ति, ऑप्शन 3। नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर, ललित कला के वर्गीकरण में पंचवा स्थान कौन सी कला को पर्याप्त है? तो सही ऑप्शन है आपका 39 का काव्य। ठीक है, काव्य को पांचवा स्थान पर्याप्त है। नेक्स्ट आते हैं ये जो वस्तु 6 आते हैं ललित कला के अंतर्गत, शायद 6 की 5। गाइस, मैं यहाँ पे ललित कला के बारे में बता दूँ कि जो ललित कला का वर्गीकरण है ये 5 भागों में बांटा गया है ललित कला को। ठीक है, ऑलरेडी मैंने जो मेरा पहला चैप्टर है ना उसी के अंतर्गत का ये क्वेश्चन है, इंडियन आर्ट से है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसमें मैंने बताया है आपको ऑलरेडी,
तो आप देख सकते हो इंडियन आर्ट से तो खैर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस के एग्जाम में। तो ललित कला को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है चित्रकला, दूसरा है मूर्तिकला, तीसरा है वस्तुकला, चौथा है संगीत कला और 5वां है काव्य। और यहाँ पे वही पूछा है कि 5वें में कौन सा स्थान है, तो काव्य सही आंसर है। इसीलिए आप जब याद करेंगे तो सीरियल वाइज याद कीजिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि पहले मूर्तिकला आ गया बाद में चित्रकला आ गया, नहीं, पहले चित्रकला है, फिर मूर्तिकला है, फिर वस्तुकला है, फिर संगीत कला है, देन काव्य कला है। तो सीरियल वाइज याद कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से एक स्थान का संबंध भित्ति चित्रकला से जुड़ा है, तो वो कौन सा है? तो ये होगा ऑप्शन 4, सितनावासल। नेक्स्ट आते हैं 41 नंबर। जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर कौन थे? देखिए जैन धर्म का तीर्थकर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, जैन धर्म का भी बताया है तीर्थकर और बौद्ध धर्म का भी तीर्थकर बताया है, ठीक है? तो प्रथम तीर्थकर है जैन धर्म के ऋषभ देव, ऑप्शन 3 सही ऑप्शन है, ऋषभ देव। नेक्स्ट आते हैं 42 नंबर। इनमें से कौन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं रहे? ठीक है, तो ऑप्शन सही होगा, सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, डॉक्टर कुमार स्वामी, जो अब कुलपति नहीं रहे। नेक्स्ट आते हैं 43 नंबर। आपके चित्रों की पारदर्शी में कौन स्वागत योग्य नहीं? आपके चित्रों की पारदर्शी में कौन स्वागत योग्य नहीं? तो सही ऑप्शन है आपका कला विषक, ऑप्शन 3 कला विषक सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं 44 नंबर। आर के लक्ष्मण कौन थे? ठीक है, तो आर के लक्ष्मण जो है व्यंग चित्रकार थे, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा, आर के लक्ष्मण व्यंग चित्रकार थे। नेक्स्ट आते हैं 45 नंबर। एक संपूर्ण कलाकार जिसे वस्तु मूर्ति चित्र सभी क्षेत्रों में महारत थी, ठीक है, सभी क्षेत्रों में महारत हासिल थी उन्हें, तो वो कौन है? तो ऑप्शन होगा आपका 4th माइकल एंजेलो, ठीक है, जो वस्तुकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, चित्रकार भी थे। नेक्स्ट आते हैं 46 नंबर। इनमें से किसे कला का जीनियस कहा जाता है? ठीक है, कला का जीनियस, तो ऑप्शन 1 R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं 47 नंबर। इनमें से कौन बनारस के प्रिय गायक है? ठीक है, बनारस के प्रिय गायक, तो ऑप्शन होगा आपका 4, छन्नू लाल मिश्र। नेक्स्ट आते हैं 48 नंबर। भारत के एक प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने मित्रों की पारदर्शनी की, ठीक है, सही ऑप्शन है आपका VP Singh, ऑप्शन 2 सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं 49 नंबर। बिना तुलिकाएं का प्रयोग से बनने वाला चित्र का नाम, ठीक है, बिना तुलिका के बिना जो चित्र बनते हैं उसका नाम क्या है? तो ओलियोग्राफ, ऑप्शन 1 ओलियोग्राफ सही आंसर है। एंड लास्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को दिखाते हुए पवित्रता कौन रंग से झलकती है? तो ऑप्शन होगा 1 पीला। तो ये रहा गाइज आपके एंट्रेंस एग्जाम का 50 क्वेश्चन, जिसका मैंने आंसर आप लोगों को बताया है 1 by 1 करके, तो अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा। और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसके बाद भी जो है आपको एक और पेज मिलेगा, देखिए यहाँ पे रफ़ वर्क लिखा हुआ है रफ़ के लिए, एंड जो लास्ट पेज होता है वहाँ पे लिखा रहता है आर्थियों के लिए निर्देश, ठीक है, तो यहाँ आपके लिए निर्देश लिखा है कि क्या क्या करना है, वो भी हिंदी में, तो आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा इसे। मैं यहाँ पे धीरे धीरे स्लाइड कर देती हूँ, जो इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए तो पढ़ ले कि हाँ क्या क्या रूल्स जो है आपको फॉलो करने होते हैं एंट्रेंस के एग्ज़ाम में, ये उसी के बारे में आंसर है, ठीक है। तो ये 14 रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं, और ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए जो एंट्रेंस देने एग्ज़ाम जाएंगे। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतने ही, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और कुछ पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू।
तो चलिए गाइस, और हाँ प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं गाइस और चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरीज़ के ऐसे ही अलग अलग वीडियोस अवेलेबल ऑलरेडी है और लगभग थ्योरीज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, लगभग हो चुका है। अब मैं बैक क्वेश्चंस पे मेनली फोकस कर रही हूँ, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगा कंप्लीट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलते रहे। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखें, नमस्ते।